हेलो एंड वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे आप सभी लोग जानते हैं कि हमने रुक्मिनी करंट अफेयर्स की कंप्लीट बुक आ, कवर करते आ रहे थे तो अब तक टोटल चार पार्ट्स ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों एंड दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट रहेगा और फाइनली इस पार्ट से सारी मैगजीन हमने लाइन बाय लाइन कवर की है ओके okay? सो so, फाइनल पार्ट में इन्होंने करंट अफेयर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है जो भी आपने मेरा पहला जो फोर्थ पार्ट रहेगा जो वन लाइनर्स पार्ट जो हमने कम्प्लीट किया है फ्रॉम फेब्रवरी टू टू फेबर टू यानी एक साल का पूरा कम्प्लीट जो कि लेटेस्ट एडिशन है ये और इस महीने तक हमने उसमें आपको पढ़ाया रखा है जो कोई भी उसको प्रॉपरली देखेगा तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको आसानी होगी क्योंकि ये एक प्रैक्टिस टेस्ट आप समझ सकते हैं ओके करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव टोटल आपको 30 सेट्स दिए गए हैं इसमें 30 सेट्स रहेंगे इसमें हर सेट में आपको ट्वेंटी क्वेश्चनस रहेंगे ओके okay? सो so इसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 600 हंड्रेड हो जाएंगे आपको तो एक बार आप वन लाइनर देख लीजिएगा प्रॉपरलीके टाइम okay? निकाल के उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिए ताकि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो आवर यूट्यूब चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ओके okay? ताकि लोगों को पता चले और जो भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए सारा फ्री कंटेंट है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो सकते हैं उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ पे आप जो है कौन से बुक्स चाहते हैं जो इंग्लिश में हो स्पेशली आपको जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो तो आप मुझे बताइएगा वहाँ पर तो मैं उस बुक्स पर लेक्चर बना के लेकर आऊँगा ओके okay? तो अभी आने वाले इस वीक में मैंने कई सारे सरप्राइजेस आपके लिए रखे हैं क्योंकि कई लोगों का डिमांड है कि आर आर बी जनरल साइंस के ऊपर लेकर आया जाए तो उस पर भी मैंने बनाने की बात की है तो डेफिनेटली विल ब्रिंग जो भी आप कॉमेंट्स मुझे कर रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ उसको ओके okay? और मैं ज़रूर उसके ऊपर मैं आपके ऊपर जो है लेक्चर्स लेकर आऊँगा तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते दे बिना किसी देरी के द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अज्यूम द चार्ज एज अ न्यू वाइस चीफ़ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ ओके सो किसने अभी रिसेंटली वाइस चीफ़ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ का चार्ज लिया है मनोज पांडे जी याद रख लीजिए नेक्स्ट इन फेब्रवरी 2022 व्हिच ट्वेंटी टू विच इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स फॉर सेलिब्रेटेड इट्स 46th रेजिंग डे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंडियन कोस्ट गार्ड व्हिच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च द कौशल रोजगार निगम लिमिटेड किसने लॉन्च किया है दोस्तों हरियाणा ने दोस्तों सो नेम द पर्सन हु हैज वोन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन द फोटो जर्नलिज्म कैटेगरी की बात करें तो जीशान ए लतीफ है हु विल लीड द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दैट विल एग्जामिन द बिल दैट सिक्स टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 इयर्स टू ट्वेंटी वन ईयर्स कौन लीड कर रहे हैं इस पार्लियामेंट्री कमेटी को ऑप्शन सी विनय शाहजबुद्धे इंडिया फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट वाटर टैक्सी सर्विसेज विल बी कमीशन इन विच सिटी ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मुंबई हु टुक ओवर एज अ चीफ एग्जीक्यूटि ऑफिसर ऑफ द विस्तारा एयरलाइन दैट इज विनोद कनन जी बने हैं सी ओ एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनागरेटेड द कल्पना चावला सेंटर फॉर द रिसर्च इन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी एट कब इसको Uh, जो है इनाग्रेट किया गया है कौन से यूनिवर्सिटी में इनाग्रेट किया गया ये पूछ रहे हैं द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी विद शिप मैनुफैक्चरिंग कंपनी ओवर द फर्स्ट सेट ऑफ द ट्वेंटी थ्री बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक बोर्ड्स सॉरी बींग कंस्ट्रक्टेड फॉर द वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट अंडर द कोची मेट्रो रेल लिमिटेड तो किसने बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच पेमेंट बैंक हैज बीन कैटेगराइज एज अ शेड्यूल बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये भी इंपॉर्टेंट है ओके एयरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हु ओन द टाटा स्टील मास्टर चेस 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट किसने जीता इस बार का टाटा स्टील मास्टर्स चेस मैग्नस कर्ल्सन ये भी हमने वन लाइनर में कवर किया था नेम द इंडियन हॉकी प्लेयर हु ओन द्रेसिजियस ओल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर इस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन परफॉर्मेंस को लेकर इनको एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया दैट इज पी आर श्रीजेश वॉट इज the थीम ऑफ द नेशनल साइंस डे 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू एज अनाउंस बाई द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह इस बार का यानी लेटेस्ट थीम पूछ रहे हैं तो इम्पोर्टेंट हो गया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर नेम द इंडियन वुमन क्रिकेटर स्क्वाड एट वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी राज विद स्टेट विल होज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सो विच पब्लिक सेक्टर कंपनी हेज बिगन इंडिया मेड इन प्रोजेक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इंट नैचर गैस स्टेट इंडोर द करेक्ट आंसर इज गेल दोस्तों विच कंट्री बिकम्स अ वन नॉट सेकंड मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन डी है एंटीगिया और बारबुदा याद रख लीजिए ओके दोनों बने हैं द आई सी ए आर शुगर किन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन विच स्टेट वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली दैट इज ऑप्शन तमिलनाडु हु हैजन द चार्ज एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द शांे कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कृष्ण ने लिया है अभी रिसेंटली जैंग मिंग ने लिया है वॉट इज द टोटल आउटले ऑफ द सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर ऑफ द इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम वॉज अप्रूव बाई यूनियन कैबिनेट बाई जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो कृष्ण ने लिया है दोस्त ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ आउटले अपॉइंट किया गया सो दि इज अर सेट वन तो चलिए सेट टू के क्वेश्चन देख लेते हैं हु हैजर्ड द बुक टाइटल फियरलेस गवर्नेंस दिस इज ऑल्सो इम्पॉटेंट ऑप्शन सी किरण बेडी हैज वन द मेन सिंगल टाइटल एट दस्ट्रेलियन ओपन 2022, दैट इज रफेल नडाल फाइव डे नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी पुडीचरी दोस्तों वर्ल्ड हिंदी डे और विश्व हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट दैट इज टेंथ जनवरी याद रख लीजिए नेक्स्ट विच कंट्री वोन द ए टी टाइटल टू की बात करें तो जीता इस बार एंड Uh, Kenneth Branagh wins Best Screenplay Motion Picture at 79 uh, Golden Globe Awards 2022 for Dash. That is option A Belfast. Next, who has authored the book titled Ratan Tata, the, auto, the authorized biography <coughs> okay, of Ratan Tata? likha likhai? Option D Thomas Matthew Njina likhai. And uh, which of the following uh, is not a participant at the US led multinational exercise Sea Dragon that focus on the anti submarine warfare training Indo Pacific region? तो नॉट ए पार्टिसिपेंट आपको पूछा जा रहा है कौन पार्टिसिपेट नहीं किया था तो इंग्लैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था विच फिल्म वो द सेवेंटी नाइन गोल्डन ग्लोब अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा की बात करें तो किसको मिला इस बार पावर ऑफ द डॉक विच कारपोरेट ग्रुप हैज रिप्लेस अ चाइनीज मोबाइल मेकर वी वो हैज टाइटल स्पॉन्सर फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग द इज टाटा ग्रुप द डिफेंस द डी आर डी ओ है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट द फाइनल डिलीवरी कॉन्फिगरे ऑफ द एम पी ए टी जी एम वॉट इज अ फुल फॉर्म ऑफ एम पी ए टी जी एम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन भी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हू हैज बिन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिट ऑफ द आई एम एफ की बात करें किसको अपॉइंट किया गया था पेयरी ओलिवर पहले गीता गोपीनाथ जी थे उनको जो है डिप्यूटी डायरेक्टर का पोजिशन दे दिया गया है और उनकी प्लेस पर पे पेयर ओलिवर को अपॉइंट किया गया है व्हाट इज द थीम ऑफ दर्टी एथ फाउंडेशन सेलिब्रेशन नेशनल कमीशन फॉर द वूमेन की बात करें <coughs> तो इसका थीम आपको पूछ रहा है दट इज शी द चेंज मेकर सो इन विच स्टेट सोशल एक्टिविटीज हैज़ बिल्ट अ टेम्पल फॉर महात्मा गांधी एंड फ्रीडम फाइटर दट इज़ आंध्र प्रदेश ओके सो विथ स्टेट गवर्नमेंट हेज अनाउंस दट मिनी ओलम्पिक्स विल भी ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड एंड एनकरेज द ओलम्पिक स्पोर्ट्स अमॉन्ग द यूथ की बात करें तो महाराष्ट्र है हु हैज बिन अपॉइंटेड एज अ टेंथ चेयरमैन ओके ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये सोमनाथ जी हैं रिसेंटली बने हैं इंपॉर्टेंट है इंडिया हैज़ इम्प्रूव इट्स पोजिशन बाय द सेवन प्लेस टू रैंक एट विच प्लेस द अमोंग 111 कंट्रीज इन द लेटेस्ट एंडली पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो एक क्वार्टरली रिलीज किया गया फर्स्ट क्वार्टर का रिपोर्ट आया है ये तो इस बार इंडिया का जो रैंक है वो एटी थर्ड है दोस्तों अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट 2022 रिलीज इन जनवरी 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू वट विल भी इंडिया ग्रोथ रेट इन द करेंट फिस्कल ईयर टू एंड ट्वेंटी तो एट इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टेक्नोलॉजी वॉज इनाग्रेटेड बाई पी एम नरेंद्र मोदी इन विच प्लेस कौन से प्लेस पर दैट इज पुडुचेरी दोस्तों इन कोलाबोशन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज़ एज नीति आयोग लॉन्च अटल इनोवेशन मिशन रिसेंटली अटल स्पेस चैलेंज 2021 तो कौन से इसके साथ कोलाबरेट करके इन्होंने अटल एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 बनाया गया है तो ऑप्शन सी है दोस्तों इसरो एंड सीबीएसई दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट राइट एक मिनट इसको थोड़ा रेजोल्यूशन जूमआउट कर लेता तो। हूँ चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं दिस इज सेट नंबर थ्री ओके एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट नंबर थ्री इज एट वॉट वैल्यू द टाटा ग्रुप हैज़ रिगेन द कंट्रोल ऑफ एयर इंडिया आफ्टर सिक्सटी नाइन ईयर्स तो उन्होंने अठारह हजार करोड़ देकर रिगेन किया है नेक्स्ट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिड ओन रोल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन की बात करें तो दैट इज तमिलनाडु है दोस्तों इन एसोसिएशन विद अमर चित्र कथा विच मिनिस्ट्री हैज़ प्रिपेयर द कॉमिक बुक टाइटल इंडियाज वुमेन अनसंग करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ठीक है विच ऑर्गनाइजेशन पब्लिश द स्टेट इंडिया ऑफ द फॉरस्ट रिपोर्ट बाइंगली कौन पब्लिश करता है ये फॉरेस्ट ऑफ फॉरस्ट सर्वे ऑफ इंडिया दोस्तों नेक्स्ट विच इंडियन सिटी विल गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब डिजाइन टू हैव मेनी एविएशन फैसिलिटीज लाइक हेलीपोट हैंगर्स रिपेयर रिलेटेड सर्विसज ये गुरुग्राम में बनाया गया है नेम द इंडियन शटलर हु हैजोन इज मेड इन सुपर फाइव हंड्रेड टाइटल बाई विनिंग मैन सिंगल टाइटल्स एट द योन सनराइज इंडिया ओपन दैट इज लक्ष्य सल थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं ओके क्लियर नेक्स्ट द नाइंथ नैशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज इनागरेटेड इन विद स्टेट यूनियन टेरेटरी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द बाईनियल इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई एस एफ आर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉट परसेंट ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ़ द कंट्रीज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स टू परसेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड द नेशनल स्टार्टअप डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन सिक्सटींथ जनवरी चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच सिटी कहाँ पर हुआ था इस बार का दुबई में हुआ था दोस्तों सॉरी नेक्स्ट विच कंट्री इस एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेंस एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इंडिया है दोस्तों नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज 26th सिक्स डीप डाइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव की बात करें तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है दोस्तों नेक्स्ट हैज बिन इलेक्टेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन दट इज ऑप्शन है अरुण मिश्रा इन्फिनिटी ब्रिज इज एन कंस्ट्रक्शन इन इनवि सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैज़ टू बी ओपन टू ट्रैफिक फॉर द फर्स्ट टाइम दट इज ऑप्शन डी दुबई दोस्तों हु हैज बिन इलेक्टेड एज थर्ड वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की बात करें तो रॉबर्टा मेटसोला है In January 2022, which organization has released a report titled Inequality Kills, what reveals that COVID-19 pandemic has heightened that economic inequality across the world? That is option C, Oxfam India. India's Supermom Tiger is popularly known as Collar Wali, passed away at which uh, Tiger Reserve? That is Pench Tiger Reserve. And who has won the best FIFA Men's Player 2021 award ki baat kare, to Robert uh, Lewandowski. Next, Which regulator body has launched Saathi mobile app to empower investors?

How many people have been conferred with the Padma Awards in 2022, karein? That is 128. Okay. How many gallantry awards have been honoured with by the President of India in 2022? That is option D 384. The doyen of Indian classical dance form Kathakali Melina Salvani, who has passed away recently. <coughs> Sorry. Is it from which country? That is France. Dostum. Which Tiger Reserve has been awarded the prestigious international TX2 Award for doubling its tiger population since 2010. ये हमने वन लाइनर में भी पढ़ा था दैट इज सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और नेपाल के टाइगर रिजर्व को भी दिया गया है वेब सीरीज मिर्जापुर फेमस एक्टर ब्रह्मा मिश्रा पास डवे फॉर विच एक्टर ही वॉज फेमस कौन से एक्टर के लिए फेमस थे ललित दोस्तों यहाँ देख लीजिए ओके नेक्स्ट वेयर वॉज अ फर्स्ट केस ऑफ ओमनिक्रॉन ए न्यू वेरियंट ऑफ कोरोना वायरस फाउंड इन इंडिया दैट इज ऑप्शन बी कर्नाटका दोस्तों हु हैज बीन ऑनर्ड विदेन ऑफ द इयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन अवार्ड बाई द ओल्ड एथलीट्स बात करें तो किसको दिया गया इस बार अंजू बॉबी जॉर्जी को दिया गया ये भी इंपॉर्टेंट है विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक बात करें तो बारबडॉस याद रख लीजिए रिसेंटली वहाँ पे क्वीन रूल हटा दिया गया विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाई द साइक्लोन जवाद साइक्लोन जवाद से कौन सा स्टेट अफेक्ट हुआ है ज़्यादातर आपको आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों अफेक्ट हुए हैं दोस्तों दैट इज ऑप्शन डी इट हैज़ बिन डिसाइडेड बाई द इंडिया एंड बांग्लादेश टू सेलिब्रेट द मैत्री दिवस और अ फ्रेंडशिप डे जॉइंटली कौन से दिन मनाने की बात की गई है ये ऑप्शन ए ऑन सिक्स दिसंबर विच इंडियन ऑरिजिन वुमन हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई आई एम एफ दैट इज गीता गोपीनाथ इनकी प्लेस पे जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनको अपॉइंट किया गया पीटर ऑलिवर याद रख लीजिए सॉरी पियर ऑलिवर डैश एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेट इन द नागालैंड इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो कौन सा है ऑप्शन बी ट्वेंटी सेकंड हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गिव यू स्टार्टअप दैट इज ऑप्शन ए स्प्रीति वंदना हु इज ऑथर ऑफ द बुक द अंबूजा स्टोरी ऑप्शन सी नारोतम शेख शारिया एंड विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू स्टार्ट द रोपे सर्विस एज अ मीन्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो किसने स्टार्ट किया है वाराणसी ने विच स्टेट पुलिस हैज़ लॉन्च ए मोबाइल ऐप नेम कॉल यूर कॉप नागालैंड ने लॉन्च किया है सो वेर वॉज द फर्स्ट हर्बल फेस्टिवल ऑर्गनाइज टू प्रोमोट द टूरिज्म दैट इज जम्मू एंड कश्मीर वट वॉज बीन डिक्लेयर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाय द मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी की बात करें तो ऑप्शन बी वैक्सीन है दोस्तों एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन द मलेियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 सौरभ घोषल जी हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर फाइव ओके रामगढ़ विशीधारी वाइल्ड लाइफ लोकेटेड बाई विच स्टेट विच इज अमोंग द प्रपोज्ड फाइव साइट्स इन कंट्रीज एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्मली नोटिफाइड टाइगर रिजर्व तो कहां पर है यह राजस्थान में विद स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ग्रामा ए टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन प्रोग्राम दैट वुड ऑफर सर्विसज ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन द रूरल एरियाज दैट इज ऑप्शन इन विच डिस्ट्रिक ऑफ बिहार इज द ओल्ड टॉलेस्ट बुद्धिस्ट स्टूपा केसरिया लोकेटेड द न्यूज दट इज ऑप्शन है ईस्ट चंपारा वॉट इज द परसेंटेज ऑफ फिजिकल डिफिज एस्टिमेटेड फार द फाइनेशियली टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू की बात करें सिक्स पॉइंट ऐट परसेंट है इंपॉर्टेंट है यह भी हाउ मनी मेडल्स डिट इंडिया बिंद उ युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो फोर्टी सेवन मेडल्स इन्होंने जीता है ठीक okay. है चले नेक्स्ट देख लेते नोडेड ऑथर एम मुकुंदन हैज वोन द जे सी बी अवार्ड फॉर विच बुक दट इज़ ऑप्शन डी ए डिली सोलिक्यू नेक्स्ट है हमारा एट विच एयरबेज डि द इंडियन एयरफोर्स रिसीव द टू मिराज टू थाउजेंड फाइटर जेट्स फ्राम द फ्रांस इन इन टू की बात करें दैट इज ग्वालियर दोस्तों ठीक है एंड नेक्स्ट वर्ल्ड फिशरी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट दैट इज ऑप्शन जी ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर विच स्टेट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री आवास बिहू अधिकार योजना की बात करें तो किसने लॉन्च किया है मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है हु इज द विनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड पिक्स टू की बात करें तो ऑप्शन है मैक्स वर्स्थापन नेक्स्ट सिटी टू लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट ट्राम लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन ये किसने कौन सी सिटी ने लॉन्च किया है दोस्तों दैट इज ऑप्शन बी कोलकाता ने लॉन्च किया है वट इज़ अ परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया रिपोर्ट फ्रॉम पीरियड टू थाउंड फोर्टीन टू टू थाउजेंड एटीन की बात करें तो थर्टी थ्री परसेंट का इंक्रीज हमको देखने को मिला है इंपॉर्टेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस मैच पॉसिबल लॉन्च पीरियड ऑफ नासा मिशन दैट इज ऑप्शन सी निसार मिशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू प्रोवाइड फ्री इंटरनेट टू द पीपल हु कम बिलो द पॉवर्टी लाइन तो किसने प्रोवाइड किया है ये केरला ने दोस्तों वेर एज कंट्री फर्स्ट रैनोसोरस कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एज ओपन दैट इज ऑप्शन सी पटना सो वेन इज अ ओल्ड स्नो लेपर्ड सेलिब्रेटेड कब सेब्रेट किया जाता है ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर को एंड विच ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वॉज कैंसल इन दयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ड्यू टू कोरोना पैंडमिक की वजह से जो कैंसिल कर दिया गया वो बिबलडन है वेर एज इंडियाज लॉन्गेस्ट सिंगल सस्पेशन ब्रिज

तो ऑप्शन सी एन पटना है हाउ मच अमाउंट इज अ प्रोविजन फॉर द एम सेक्टर इन द यूनियन बजट 2021 एंड 22 की बात करें तो 15,700 करोड़ अलोकट किया गया था वो हैज बिन गिवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन प्रीमियम प्लाना लिटरेरी अवार्ड फॉर द नॉवल द बीस्ट दैट इज ऑप्शन ए कैमरून मोला विच ट्रेन हैज बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफाइड ऑफ सदरन रेलवे की बात करें ऑप्शन बी मैसूर चेन्नई शताब्दी फॉर हाउ लॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू मेक द कंट्री एनर्जी इंडिपेंडेंट की बात करें दैट इज ऑप्शन सी टू ऑथर ऑफ द बुक सरदार पटेल एंड इंडियन मुस्लिम्स ये क्या है दोस्तों किसने लिखा था रफिक जकारिया ने विथ विच स्टेट इज अ चीफ मिनिस्टर फॉर्मर एक्सीडेंट वेलफेयर प्रोग्राम स्कीम रिलेटेड दट इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश विथ स्टेट यूनियन टेरेटी हैज़ लॉन्च स्पैरो पोर्टल फॉर एवेल्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तो किसने लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया था इम्पोर्टेंट है एंड वेन इज अ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वॉज ऑब्जर्व ये चौदह दिसंबर को बिटवीन विच कंट्रीज वॉज अ फिफ्थ नेवल एक्साइज दोस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑर्गेनाइज कौन से दो कंट्रीज के बीच में हुआ था ऑप्शन बी मालदीव्स इंडिया एंड श्रीलंका दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज ऑथर ऑफ़ द बुक चाइना रूम द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी संजीव सहोता एंड व्यू हेज बिन ऑनर्ड विद्स लीडरशिप अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें दैट इज ऑप्शन बी सोनू सुतोस्त सनंता तनटिप पासड अवे ही वॉज ए फेमस पोएट ऑफ विच स्टेट दैट इज ऑप्शन सी आसाम इन विस्ट किसान सूर्योदय योजना वा स्टार्टेड दोस्तों ये भी ऑप्शन डी गुजरात है एंड विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अनाउंस एम फॉर एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज की बात करें तो केरला ने अनाउंस किया है एंड इन विच कंट्री विल द वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू विल भी ऑर्गनाइज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विल भी ऑर्गनाइज इन स्पेन एंड नैदरलैंड्स इन विस् स्टेट ए माइक्रोस्कोपिक स्नेल बी डिस्कवर्डेड स्टोर तो कहाँ पे इसको कौन से स्टेट में पाया गया है ये आपको पूछ रहा है द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए मेघालय दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो इज सर टारगेट टू लॉन्च चंद्रयान थ्री बाई इसरो तो कौन सा टारगेट रखा गया है तो 2022 है एंड बिटवीन विच प्लेस डज अ फर्स्ट इंडियन सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन दोस्तों ये वाराणसी और न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया था इंडियाज़ फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई स्कीम इज ऑपरेटेड इन विच स्टेट अरुणाचल प्रदेश ओके थोड़ा जू मीट कर लेते हैं इसको <coughs> सो नेक्स्ट सेट इज सेट नंबर सेवन ओके एंड पहला क्वेश्चन देख लेते हैं वॉट इज अ फाउंडेशनल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी की बात करें दैट इज ऑप्शन बी सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड हु इज ऑथर ऑफ द बुक स्टार्ट इन माई स्काई किसने लिखा था दोस्तों दिव्या दत्ता जी ने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट है विद स्टेट वाइट यूनियन हैज गॉट ए जी आई दैट इज महाराष्ट्र हो गया एंड वेयर वॉज ए मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज टू थाउजेंड ट्वेंटीड कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था अंपारा में दोस्तों ओके द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग द फिजिकल डिफिट टू वाट परसेंटेज ऑफ द जी डी पी बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स तो कितना टारगेट हम लोगों ने रखा है फोर पॉइंट फाइव परसेंट द कंट्रीज फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड हैज़ बिन लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन ये इफ ने लॉन्च किया है दोस्तों ऑप्शन ए नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंकनी लिटरेचर विल बी ऑनर्ड विफ्टी सेवन ज्ञानपितू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इस बार किसको ऑनर्ट किया गया है दामोदर मोआजों को याद के so, सो जन स्वानी योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट दैट इज़ ऑप्शन डी मध्य प्रदेश वेयर वॉज द ट्वेंटी फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ द एस यू ओ हेल्थ दोस्तों कहाँ पर हुआ था तजाकिस्तान में हुआ था एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द बीचेस इन इंडिया हैव द लेटेस्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज़ नॉट ट्रू ओके कौन सा ट्रू नहीं है बोल रहा है आपको कोवालम ऐड किया गया एडन ऐड किया गया पाबूतरी तो पहले ही था तो दिस इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर गोगला कर्नाटक

तो इंक्लूडिंग ब्रह्मोस मिसाइल तो पहला कंट्री जो था, बना था वो फिलीपींस बना था दोस्तों याद रख लीजिए फिलीपींस ओके नेक्स्ट देख लेते हैं विच मैराथन वॉज ऑर्गेनाइज बाई द इंडियन आर्मी ऑन फिफ्टींथ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो विजय रन हो गया ओके एंड द लार्जेस्ट द टारगेट ग्रुप फॉर पी एम स्वनिधि योजना कौन सी टारगेट ग्रुप है स्ट्रीट वेंडर्स हो गया एंड विच ऑनलाइन फैसिलिटी हैज बिन स्टार्टेड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ई कृषि संवाद विच कमेटी हेज बिन फॉर्म टू प्रिपेयर अ ब्लू प्रिंट फॉर डबलिंग द फार्म इनकम बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो अशोक दलवाई कमेटी ने इसको फॉर्म किया गया था एंड वट इज़ द टारगेट सेट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द ईयर टू थाउजेंडेंट ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन है थ्री नॉट वन मिलियन टन विच फिल्म वोन द ऑस्कर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर द बेस्ट पिक्चर की बात करें नोमर्ट लैंड है दोस्तों हु इज इंडियाज रीजनल एम्बेसडर फॉर द यू एन पी तुंजा इको जनरेशन की बात करें तो व्योम खन्ना है व्योम खन्ना चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर एट सो वेन वॉज द पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम कब हमने प्रेजेंट किया था टू टाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू में टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन प्लेयर प्रमोद भागवत हेल्थ फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार दैट इज़ वैशाली है दोस्तों हु हैज वन द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड एट द ए सिक्स फिल्म फेयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तापसी पन्नी जी ने एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो इराक है दोस्तों इराक याद रख लीजिए एंड हु वोन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करें तो ऑप्शन सी भवीना पटेल नेक्स्ट वॉट इज अ थीम ऑफ दी वर्ल्ड रोड सेफ्टी वीक टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डेट इज ऑप्शन बी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विच ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड ए वन धन विकास योजना की बात करें तो ड्राइफर्ट ने स्टार्ट किया था एंड विच वुमन हैजेक ओवर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन कौन बने थे मैकदाल एंडरसन एस्तोनिया के पहले अगर वुमेन पूछे तो काजा कल्ला से याद रख लीजिए एंड विच नेशन हैज़ बिकम द वन नॉट वन मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलाइंस दैट इज अमेरिका हो गया एंड वन नॉट सेकंड मर आंटिग्यो और बारबुदा है याद रख लीजिए अभी हमने पढ़ा हु इज ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल द प्रोमिस दैट इज ऑप्शन डी द मैन गलगुट दमन गलगुट चलिए नेक्स्ट लिख लेते एंड हुज़ बिन रिसेंटली इंडक्टेड इन टू आई सी सी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की बात करें तो शॉन पोलाक जेनिट ब्रिटन और महिला जयवर्धन है तीनों को ऐड किया गया है तो ऑप्शन डी इज़ अ राइट आंसर सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंट्री इन विच पार्टिसिपेट इन द थर्ड एशियन यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी जो हेल्ड हुआ था तो उसमें कौन थे चाइना थे दोस्तों तो पार्टिसिपेट भी हुआ था और वहाँ पे हेल्ड भी हुआ था ओके okay, मैनू भी पूछ रहे हैं लोग सो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दट इज ऑप्शन सी यूनिस्को विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन गिवन द यूनिस्को अबू पीस मीडिया अवार्ड्स दैट इज ऑप्शन सी ए एंड बी दट इज दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को अबू पीस मीडिया अवार्ड्स दिया गया है सो ऑप्शन सी इन विच इंडियन सिटीज पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड ऑप्शन डी है दोस्तों इंडोर और पुरी दोनों में भी इसको इम्प्लीमेंट किया गया सॉरी इंडोर और भोपाल में नॉट पुरी इंडोर एंड भोपाल में सो विच इज़ नॉट करेक्टली मैच कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में है मलाबार इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है क्योंकि इंडिया एक्चुअली ये क्वाड एक्सरसाइज होती है दक्षिण शक्ति की बात करें तो थ्री आर्मीज ऑफ इंडिया सो दिस इज़ एक शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में नहीं होता सो दिस इज़ द राइट आंसर विथ स्टेट ऑर्गेनाइज द फोर्थ वन प्लानेट समिट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो फ्रांस ने उसको ऑर्गेनाइज किया था ओके द काजू वैली वेटलैंड डिक्लेयर सिक्सटीथ बर्ड सेंचुरी ऑफ विथ स्टेट दैट इज तमिलनाडु एंड हुज बिकम द सेवेंटी सेकंड चेस ग्रैंड मास्टर मित्र बा गुहा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके एंड बाई विच एयर इंडिया इज अनाउंस टू द टारगेट ऑफ नेट जीरो दैट इज कार्बन एमिशन की बात करें तो टू थाउजेंड सेवेंटी दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर नाइन

ज एक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ द इंडिया टू बस दट इज ऑप्शन बी है चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हुज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड किसको अपॉइंट किया गया बी एस पठानिया जी को नेक्स्ट नरेंद्र मोदी हैज लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी की बात करें तो मीट में लगाया गया एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मेक्सिको दट इज ऑप्शन है पंकज शर्मा दोस्तों विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द नेशन वाइट हंड्रेड डे रीडिंग कैंपेन पढ़े भारत ऑन जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दट इज धर्मेंद्र प्रधान चलिए नेक्स्ट देख लेते हुज बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमन ऑफ द सी ई ऑफ रेलवे बोर्ड दट इज वी के त्रिपाठी जी चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो हु हैज बिन अपॉइंटेडेडेडेडेड एज अ न्यू एम डी एंड सी ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक को किसको अपॉइंट किया गया अतुल कुमार गोयल है एंड हुज बिन अपॉइटेड ए न्यू एम डी एंड सी ऑफ यूको बैंक दट इज ऑप्शन सी सोमा शंकर प्रसाद विच कंट्री हैज बीन इक्लूडेड इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक एज ए फोर्थ न्यू मेबर अपार्ट फ्राम द ब्रिक्स कंट्रीज की बात करें ऑप्शन भी ईजिप्ट है दोस्तों हुज बिन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ द शास्त्र सीमा बल किसको एडिशनल चार्ज दिया गया संजय अरोराजी को इन्वेस्टेड जवाहरलाल नेहरू रोड हैज़ बिन रीनेमड हैज नरेंद्र मोदी मार्ग दट इज ऑप्शन बी सिक्किम हो गया विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिन रीनेमड एज ए वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बात करें तो ऑप्शन सी झांसी रेलवे स्टेशन है दोस्तों विच क्रिकेटर हैज बिन अपॉइंटेड बाई द बी सी सी आई ए कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका ओडियाई सीरीज इन प्लेस ऑफ रोहित शर्मा दट इज ऑप्शन बी के एल राहुल हु इज ऑथर ऑफ द फेमस बुक द कश्मीर कॉन्ड्रोम द क्वेस्ट फॉर ए पी एंड ट्रबल लैंड की बात करें दैट इज निर्बल चंद्र विच रेटिंग एजेंसी आई सी आर एज एस्टिमेटेड इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट टू वॉट परसेंट इज द फाइनेंशियली टू थाउंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें दट इज ऑप्शन ए नाइन परसेंट है हु हैज़ बिकम द लेवेंथ इंडियन बॉलर टू टेक मोर दैन टू हंड्रेड विकेट्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की बात कर तो मोहम्मद शमी चले नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर टेन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए वो देख लेते हैं हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकाडमी अवॉर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द हिंदी लैंग्वेज फॉर ए प्ले सम्राट अशोक दट इज ऑप्शन बी दया प्रकाश सिन्हा द प्राइमिस्ट ऑफ हिच कंट्री हज रिजाइन फ्राम इज पोस्ट इन इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाइक इन द फ्यूल प्राइजेस की बात करें दट इज ऑप्शन ए कजाकिस्तान विच पी एस यू हज़ बिन कॉन्फर्ड विद अ ग्लोबल हेल्थी वर्क प्लेस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैटेगरी देखें तो ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च सेवेंटी फाइव करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव की बात करें तो ऑप्शन डी सरबंदा सोनोवाल है वो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखें तो ऑप्शन बी है दोस्तों दैट इज डॉक्टर दीपक कुमार और अजय चौकुमार चौधरी तो इन दोनों को अपॉइंट किया गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया रैंक फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस इन द कंट्री की बात करें ऑप्शन बी तेलंगाना है दोस्तों आईसी एमर एज अप्रूव विच इंडियन फर्स्ट आर टी सी आर किट टू डिटेक्ट द ओमनीक्रॉन वेरियंट ऑफ कोविड नाइनटीन दट इज ऑप्शन है ओमनी ओमिशोर है दोस्तों हु हैज बिन अपॉइंटेडेडेडेडेड एज अजिडेंट ऑफ द यू एस इंडिया बिजनेस काउंसिल बद यू एस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें दट इज ऑप्शन है अटल कश्यप हुज लॉन्च दैशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी नीट थ्री पॉइंट वो देख लेते हैं ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान है वो हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू लीड न्यूक्लियर करियर ऑफ़ द यू एस नेवी की बात करें तो ऑप्शन डी एमीर बैर बैर शमिड है दोस्तों ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन वेयर विल द ट्वेंटी फिफ्थ नैशनल यूथ फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बी हेल्ड ये पुडुचेरी में हुआ था दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सो विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री द वर्ल्ड टू डिलीवर द फोर्थ डोज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन देख लेते हैं तो इसराइल है इन विच कंट्री द न्यू वेरियंट ऑफ आई एच यू ऑफ कोविड नाइन्टीन गैस कोविड कोविडीन हैज बीन डिटेक्टेड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रांस रिसेंटली विच सेंचुरी ऑफ द बिहार हैज बिन अनाउंस एज ए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ऑप्शन ए वाल्मीकिी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एन ऐप टू टीच कॉमन सेंटेंसिस इन ट्वेंटी टू लैंग्वेजेस विच हज बिन लॉन्च बाई द एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो ऑप्शन डी भाषा संगम ऐप है एंड मॉल्यू पिरावीर टैबलेट इज अ मेडिसिन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ विच डिस दिस इज कोविड नाइन्टीन ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं सो इंडिया इज रिवाइविंग सो इंडियाज रिवाइविंग एस पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद विच नेबरिंग कंट्री की बात करें तो ऑप्शन डी श्रीलंका है दोस्तों हु रोड द नोवल महाभूच दट इज ऑप्शन है मनु भंडारी एंड द डेली डिक्लेन मेड द रीजनल सिक्योरिटी समिट इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान विच पर्सन फ्रॉम द बिहार हैज बिन ऑनर्ड विद द पद्म भूषण अवार्ड फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ए राम विलास पासवान जी को दिया गया है इस बार चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर इलेवन सो वॉट आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बिन आस्ड

विच हाईकोर्ट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट इन इंडिया ऑप्शन बी केरला हाईकोर्ट एंड सिंधु ताई सबकल पास डवे शी वॉज अ फेमस ऑप्शन डी सोशल वर्कर एंड विच कंट्री ऑलराउंडर क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ हज़ अनउंस इज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें दोस्तों दट इज ऑप्शन इन पाकिस्तान एंड विच स्टेट ऑफ इंडिया हेज़ बिकम द एल पी जी फर्स्ट एल पी जी एनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री की बात करें तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है वेर याज इंडिया इज लॉन्च द थर्ड अर न्यूक्लियर सब एस फोर फॉर सी ट्रायल्स की बात करें तो ऑप्शन डी विशाखट्टन है वो हैज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू एमडी डी एंड सी ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक दट इज़ ऑप्शन ए बलदेव प्रकाश है दोस्तों वेरवास संकल्प स्मारक डेडिकेटेड टू द नेशन इन द मेमोरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें दर इज ऑप्शन सी अंडमान एंड निकोबार आईलैंड है नेक्स्ट विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदूक हैज रिजाइंड फ्राम इस पोस्ट आफ्टर ए मिल्ट्री कूप ये सूडान के हैं ये भी इंपॉर्टेंट है

विच कंट्री हेज बिन इंटरेस्टेड विद चेयरमैनशिप ऑफ द काउंटर टेरिजम कमिटी ऑफ द यूनाटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देख लेते हैं ऑप्शन भी इंडिया है एंड विच एडिशन ऑफ द काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑज हेल्ड इन वाराणसी दर इज ऑप्शन इन फर्स्ट एडिश इसरो हैज स्टार्टअप विद फोन मेकर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विसिस ये कौन सा है ओप्पो से हमने टाइप किया है दोस्तों विच स्टेट टूड फर्स्ट इन द इम्प्लीमेंटेशफ़ द श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की बात करें तो ऑप्शन सी तेलंगाना है दोस्तों बस्ती वमन शिन्हय द फाउंडर ऑफ द विश्वा कोंकणी केंद्र पास ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट दैट इज ऑप्शन ए स्टेट से ये बिलोंग करते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट देख लेते हैं सेट नंबर कौन सा है इट्स टूवेल्व ओके सेट नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें भी देख लेते हैं सो विच द होस्ट ऑफ द सेंट्रल साउथ एशियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2021 की बात करें तो इस बार उस ने होस्ट किया था इसको एंड गिरा सारा भाई हुआ इन न्यूज रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड आर्किटेक्चर है दोस्तों विच स्टेट इन इंडिया सेट टू अपॉइंटेड डोरी प्रोबिश ऑफिसर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट्स की बात करें तो ऑप्शन डी केरला है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च ए अगर वुड पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो त्रिपुरा है दोस्तों एंड वेन इज द नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ये आपको ट्वेंटी सेवन नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंपॉर्टेंट है वेर वॉज एक्सरसाइज दक्षिण शक्ति बिटवीन थ्री आर्मीज ऑफ इंडिया हेल्ड कहाँ पर हुआ था ये पूछ रहे राजस्थान में हुआ था विच कंट्री विल होस्ट द एशियन यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव का उजगेबिस्तान हेल्ड करने वाला है होस्ट करने वाला है इसको वेयर वॉज द आयुर्वेदा पर्व टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हेल्ड दोस्तों ऑप्शन डी न्यू डेली है द यूनियन कैबिनेट हेज अप्रप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ प्रियम कृषि सिंचाई योजना टिल विच ईयर दट इज ऑप्शन सी टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स विच इंडियन ऑरिजिनज बीन अपॉइंटेड एज एफ द फ्रेंस लग्जरी फैशन हाउस चैनल दैट इज़ ऑप्शन बी है लीना नायर पेडरो कैस्तीलो हैज़ बिन इलेक्टेडेडेडेडेड एज ए न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री ऑप्शन ए पेरू है, है दोस्तों पेरू के प्रेजिडेंट बनाए गए हैं चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंड विच इंडियन स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्च द आटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टीम रेस्पॉन्स सिस्टम जिसे कहा जाता है फॉर अ न्यू बोर्न हियरिंग स्क्रीन दट इज ऑप्शन बी है दोस्तों पंजाब एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ प्रोजेक्टेड द इंडियाज इकॉनॉमिक ग्रोथ टू बॉट परसेंट फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इन्होंने नाइन पॉइंट सेवन प्रोजेक्ट किया है हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ इंडिया की बात करें स्टाफ कमिटी ऑफ दट इज मुकुन मनोज मुकुंद नरवानी वेर विल द एशिया पेसिफिक रोबोटिक्स कॉम्पिटिशन रोबोकॉन टू थाउन्न ट्वेंटी टू बी हेल्ड दट इज ऑप्शन डी न्यू डेली है दोस्तों विच वोड हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ वर्ड ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाई मेरियम वेबस्टर डिश्शनरी की बात करें तो ऑप्शन सी वैक्सीन है वो हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द जेक रिपब्लिक दट इज पेटर पीटर फयाला है इंड म मट्टी डायमेशनल पॉर्टी इंडेक्स रिलीज बाय द नीति आयोग विच इज़ अ ओली इन द कंट्री विच जीरो परसेंट पॉर्टी हैज़ बिन फाउंड दट इज ऑप्शन ए कोटायम है मनी पार्टिसिपेंटर दार्ट ऑफ द इंडियास ओलंपिक कंटीजन फॉर द टोको टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें ऑप्शन भी वन ट्वेंटी सेवन है वेर इज इंडियाज फर्स्ट मैन मिशन टू स्पेस कॉल्ड दैट इज गगनयान दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर थर्टीन तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है वो हैज बिन रोप कप्टन ऑफ द कैप्टन ऑफ द लखनऊ सुपर गिंग आई पी एल टीम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो किसको कैप्टन बनाया गया है के एल राहुल जी को हु इज ऑथर ऑफ द बुक कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स की बात करें तो ऑप्शन मरूफ रजा है हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट इंडियन वर्चुअल साइंस लैब फॉर चिल्ड्रन अंडर सी एस आई आर जिज्ञासा प्रोग्राम की बात करें तो ऑप्शन सी जितेंद्र सिंह है दोस्तों वेर वॉज अ सागर शक्ति एक्सरसाइज ऑफ इंडियन सिक्योरिटी फोर्स हेल्ड ऑप्शन बी गुजरात हो गया एंड वेर वॉज अ ट्वेंटी फर्स्ट इंडियन रशिया एनुअल समिट वॉज हेल्ड ये आपको न्यू डेली में है दोस्तों विच सिटी दुर्गा पूजा गॉड यूनिस्को इनटैंजेबल हेरिटेज स्टेटस की बात करें तो कोलकाता है विच कंट्री हेज अलाउड द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड तितर ओके किसने अलाउ कर दिया म्यांमार ने अलाव कर दिया वो एज बी नॉमिनेटेड एज द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मेन फॉर द नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें जो नवंबर मंथ के जो मैन कैटेगरी में अगर देखेंगे तो डेविड वार्नर जी को दिया गया है वो एज बिन अवॉर्डेड एज द स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन मेडल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन सी सुनील गवास्कर जी को दिया गया ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा वेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व ऑप्शन बी हो गया सेकेंड दिसंबर

विथ स्टेट एज पॉज द मोटर वेहीकल टैक्स अमेंडमेंट बिल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश हुज बिन डिक्लेयेर एज अ पर्सन ऑफ द ईयर टू थाउजें ट्वेंटी वन बाई द टाइम मैगजीन दट इज ऑप्शन है एलॉन मस्क विद स्टेट मिथिला मखना हैज़ बिन गिवेन अ जी आई टैक दट इज बिहार दोस्तों ओके एंड वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बी सिक्सटी सिक्स रैंक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो विद स्टेट गवर्नमेंट हज डिसड टू एड द क्लाइमेट चेंज एज अब्जेक्ट दिलेबस फ्रॉम क्लास वन टू क्लास एट दैट इज महाराष्ट्र ने एड किया है विच मेडल हेज बिन ओन बाय द इंडियन वेट लिफ्टर अजय सिंह द कॉमनवेल्थ लिफ्ट चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हेल्ड इन ताशकेंथ तो ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है तो नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर फोर्टीन सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गुजरात गवर्नमेंट ऑन मंडे नेम अंडर ब्रिट्स इन राजकोट आफ्टर जनरल बिपिन रावत जी नेक्स्ट विच वन ऑफ इज करेंटली कवर्ड अंडर ऑपरेशन ग्रीन मिशन विच वन इज करेंटली कवर्ड ऑपरेशन ग्रीन मिशन के अंडर तो अभी ऑनियन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है इज इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे सेलिब्रेटेड ऑप्शन सी 18 दिसंबर हु इज ऑथर ऑफ द बुक टाइटल राज कपूर द मास्टर एट वर्क विच हैज बिन रिलीज बाय वेंकैया नायडू जो कि ऑप्शन है राहुल रवाली है दोस्तों स्वीट रेवल्यूशन एन बी एच एम स्कीम आर एसोसिएट विद विच प्रोडक्ट दट इज ऑप्शन डी हनी है एंड बेन इज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व ऑप्शन बी फोर्टीन दिसंबर इंडिया अनबिल्ड नेशनल एक्शन प्लान फॉर डॉग मीडिएटेड रैबिस एलिमिनेशन टू एलिमिनेट रैबिस बाई विच ईयर दट इज ऑप्शन सी है दोस्तों टू म्यनमार फॉर्मर काउंसलर ऑंग सू आंग सॉन्ग सु क्यू हैज़ बीन सेंटेंस टू हाउ मेनी ईयर्स इन द प्रेजेंट की बात करें तो ऑप्शन बी फोर ईयर्स डिक्शनरी डॉट कॉम हैज डिक्लेयर विच वर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2021 दैट इज ऑप्शन डी एली शिप ओके अलाई शिप और एली शिप जो भी आप कह सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं विच हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ लार्जेस्ट मैनुफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया एज पर के देख लें तो गुजरात है दोस्तों इज लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब गुजरात है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओके okay, यहीं पे है क्वेश्चन इसका ओके हु इज़ अ विनर ऑफ़ द अबूधाबी ग्रांड पिक्स टू थाउजेंड फार्मूला वन टाइटल तो अबू धाबी ग्रैंड पिक्स जो 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन फार्मूला वन टाइटल इस बार किसको गया है ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापन को गया है दोस्तों हु इज़ अ विनर ऑफ एफ आई डी आई वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑप्शन बी मैगनस कार्लसन ओके और मैगनस कार्लसन नहीं टाटा चेस को भी जीता है टाटा चेस टू थाउजें ट्वेंटी वन याद रख लीजिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच स्टेट हैज़ लॉन्च आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश विच कंट्री फेमस नॉवेलिस्ट एन ए राइस पासड अवे ये आपको अमेरिका के हैं दोस्तों डीआरडी ओ सक्सेसफुली टेस्टेड सुपरसोनिक मिजाइल असिस्टेड टॉर्पिडो सिस्टम कहाँ पर इन्होंने टेस्ट किया इन द व्हीलर आईलैंड एंड विच फुटबॉलर हैज़ वोन द बैलन डी और अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो इस बार लियोनो मेसी को किया गया है विच इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड इन द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिपिक इंडक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बी तेल लवीव है एंड वे डिट जवाद साइक्लोन नेम सऊदी अरेबिया ओरिजिनेट दैट इज ऑप्शन ए बे ऑफ बंगाल विच स्टेट पुलिस हैज लॉन्च ए मोबाइल ऐप कॉल योर कॉप किसने लॉन्च किया है दैट इज नागालैंड ने लॉन्च किया एंड वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज रिलीज बाई विच ऑर्गेनाइजेशन दट इज ऑप्शन सी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स क्राइम चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर फिफ्टीन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं विच फिल्म हैज़ वोन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट धाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तो कोजंगल को दिया गया इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एंड हुज ऑनर्ड विद अ शौर्य चक्र गैलेंट्री अवार्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन महेश कुमार भूरिया जी को हु इज ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव यूर लाइफ दर इज ऑप्शन है अभिजीत बेनर्जी विच पुलिस स्टेशन हैज़ बिन अर्डर्ड द बेस्ट इंडियन पुलिस स्टेशन ऑफ दियर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बाई द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स की बात करें तो सदर बाजार है एंड उत्कर्ष ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज़ रिलेटेड टू किस से रिलेटेड है आर बी आई से रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है रामपत यात्रा एक्सप्रेस हैज़ बिन लॉन्च फ्रॉम अयोध्या टू तो विच सिटी टू तो प्रमोट द प्लीग्रिमेज टूरिज्म ये पुणे से लॉन्च किया गया है विच टीम हैज़ वोन द नेशनल टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो इस बार आंध्र प्रदेश ने जीता है दोस्तों इंडियाज फर्स्ट क्रिकेट क्रेडिट कार्ड मेड ऑफ़ पी वी टौर्� सी प्लास्टिक लॉन्च तो किसने लॉन्च किया है ये ऑप्शन बी एच एस बी सी हु हैज़ ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवर्ड द टाइम मैगजीन एक्सेलेंस आइकॉनिक अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बी है दोस्तों डी संगानिया विच एयरपोर्ट हैज़ अनाउंस टू पीके ए नेट कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बाय द ईयर टू थाउजेंड थर्टी की बात करें तो ऑप्शन सी uh, है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट विच स्टेट है स्ट्रीट प्रोजेक्ट टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट किसने स्टार्ट किया ऑप्शन ए केरला हो गया विच फिफ्टी टू वीक लॉन्ग प्रोग्राम हैज़ बी लॉन्च ऑल इंडिया रेडियो फॉर द यूथ की बात करें तो ऑप्शन बी ए आई एयर नेक्स्ट है दोस्तों डैश राइजिंग डे ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वॉज ऑब्जर्व फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दट इज ऑप्शन सी फिफ्टी सेवन थे दोस्तों इन हाउ मेनी फेजेज वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन फॉर हेल्ड ऑप्शन बी दैट इज ये एट फेजेस में हुआ था एंड वाट वॉज द थीम ऑफ द ट्वेंटी फोर्थ नेशनल यूथ फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो इस बार का थीम इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा युवा उत्साह नए भारत के नेक्स्ट वन डेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द विड्रॉल ऑफ थ्री न्यू एग्रीकल्चर लॉस तो ये उन्नीस नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख की बात करें तो ये जी किशन रेड्डी है वाट इज़ द नेम ऑफ द थर्ड ट्रेन ऑपरेटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश देख लेते हैं ऑप्शन डी मिथाली एक्सप्रेस वाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इनजको इन टेंजेबल कल्चर हेरिटेज इन इंडिया की बात करें तो ये भी ऑप्शन सी फोर्टीन है दोस्तों नेक्स्ट वट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ऑक्कर्स देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट सेट नंबर सिक्सटीन एंड हु रिलीज द बांग्लादेश लिबरेशन एट फिफ्टी ईयर्स विजय विद सिनर्जी इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की बात करें तो ऑप्शन सी है मनोज मुकुंद नरावने वेन इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व ये सेकंड दिसंबर को मनाया जाता है हु इनागरेटेड द काशी विश्वनाथ धम कॉरिडोर की बात करें तो ये डी है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी एंड हाउ मेनी मेडल्स डिट इंडिया विन द एशियन रोविंग चैंपियनशिप में कितने मेडल्स जीता था इंडिया ने सिक्स मेडल्स डी एस टी आई एस टी पी आई एम यू रामानुजन प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी वॉर्ड हेज बिन गिवन टू विच इंडियन मैथमेटिशियन दट इज ऑप्शन सी है दोस्तों नीना गुप्ता जी को याद रख लीजिए नेक्स्ट एंड हु वॉट हैज़ बिन डिक्लेयर एज अ वार्ड ऑफ दर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बद द कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करें तो इस बार जो है ऑप्शन डी प्रजर्वरेंस को दिया गया है ये प्रजेवरेंस रोवर का नाम है याद रख लीजिए डिक्शनरी डॉट कॉम में अलाई शिप अभी अभी हमने पढ़ा ये भी इम्पॉर्टेंट है कैम्ब्रिज में प्रजेवरेंस विच कंट्री हैज़ बैन तबलीगी जमात कौन सी कंट्री जो बैन कर दी है सऊदी अरेबिया दोस्तों एंड इन विच ये डी ट्वेंटी समिट विल बी चेड बाई इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री विच फीमेल फुटबॉलर वन द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बैलन डी ओर अवार्ड किसको दिया गया है एलेक्सिया पुटालियास ये फीमेल है अगर मेल की बात करें तो लियानो मेस्सी को दिया गया वो हैज बिन अपॉइंटेड एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन तो संबित पात्रा जी को चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच स्टेट पुलिस हेज बिन अवार्डेड द प्रेजिडेंट कलर अवार्ड दैट इज ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश है विच कंट्री एज ब्रिटेस फोर्टी एट परसेंट वुमन कैंडिडेट विक्ट्री इन द रिसेंट जनरल इलेक्शन की बात करें तो ऑप्शन बइसलैंड है दोस्तों हु प्रेजेंटेड द इंडिया द समिट फॉर द इनफॉर्मेशन एंड डेमोक्रेसी हेल्ड एट न्यू यॉर्क दट इज ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर हैं विच कंट्री एज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट रफे नडाल बर्थे हेज ए नेशनल टेनिस डे किसने डिसाइड किया स्पेन ने डिसाइड किया वेर इज अ सेवेंथ एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हेल्ड ये आपको पाना जी में है दोस्तों हु इनाग्रेटेड द स्वर्निम विजय पर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इन न्यू डेली दैट इज राजनाथ सिंह इन वेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश सरयू कनाल नेशनल प्रोजेक्ट वॉज इनाग्रेटेड ऑप्शन ए बलरामपुर वेडेड डीआरडीओ इंडियन एयरफोर्स टेस्ट फायर द स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिजाइल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोखरान विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन वॉज बीन अपॉइटेड एज हेड ऑफ द यू एस व्हाइट हाउस पर्सनल ऑफिस गौतम राघवन जी को नेक्स्ट विच टीम एज वन दीनियर नेशनल वुमेन्स वर्ल्ड फुटबॉल वुमेन्स चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो किसने जीता है दोस्तों ऑप्शन डी मणिपुर ने जीता है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर सेवनटीन दोस्तों ओके एंड इसमें देखते हैं रिनॉट पर्सनैलिटी मेजर हरीश पाल सिंह हलूवालिया हैज़ पासडे वे रिसेंटली ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे ये माउंटेयर से रिलेटेड थे दोस्तों ओके नेक्स्ट द अमर जवान ज्योति वाज इरेक्टेड टू ऑनर द थाउजेंड्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु मॉटरेट ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर नाइनटीन सो वेन इज द इंडियन नेवी इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चार दिसंबर को मनाया जाता है याद रख लीजिएगा एंड सटूनिनो डी ला फ्योन्ते गार्शिया हु क्लेम द रिकॉर्ड एज अ ओल्डेस्ट पर्सन लिविंग मेल पास्ड अवे जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू बिलॉन्ग्स टू विच कंट्री ऑप्शन सी स्पेन दोस्तों वट इज़ अ रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिलीज बाई आई एम डी दट इज फिफ्टी सिक्स विथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ऑफ इंडिया हज लॉन्च ऑपरेशन सर हवा किसने लॉन्च किया था ऑप्शन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुज ऑर्डर द बुक टाइटल द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा दैट इज ऑप्शन डी दट इज तुशन तुहिन सिन्हा और अंकित वर्मा दोनों को दिया गया है एंड हुज डर एज अ विनर ऑफ द मिस ओल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ब्यूटी पेजेंट की बात करें तो ये ऑप्शन है शेलिंग फोर्ट नेक्स्ट हुज बिन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड ये विक्रम देव दत्त जी हैं एंड हुज बिन बेस्टोड विद हाइस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द आसम असोम भै किसको दिया गया इस बार रतन नावल टाटा जी को नेक्स्ट देख लेते हैं हुज वोन द वोमेन सिंगल टाइटल अर्थ द सैयद मोडी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करें तो किसको दिया गया दैट इज़ पी सिंधु जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी फॉल्स एन विच डेट दैट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट एज नेशनल पराक्रम दिवस एवरी ईयर ट्वेंटी जनवरी ठीक नेक्स्ट देख लेते हैं विद विच अनदर स्टेट द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज साइंड ए वो यू टीवाइव द सरस्वती रिवर दैट इज पंजाब है वो हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द वर्किंग वुमेन अवार्ड एट वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 की बात करें तो ऑप्शन भी सुष्मिता सेन है विच सिटी विल होस्ट द टू समर ओलंपिक्स गेम्स दैट इज ऑप्शन भी पैरिस फ्रांस है विच कंट्री हज इनग्रेट द इंडियाज असिस्टेड सोशल हाउसिंग यूनिट्स प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी मोरेशिया से दोस्तों वो हैज बिन कंफर्ड विद अचाइल है फिल्म ट्रॉफी फॉर आईसीसी वोमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की बात करें तो ऑप्शन बी स्मृति मंदना है विच इंडियन फिल्म हैज बिन नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म नॉस्कर 2021 थाउजेंडें इज ऑप्शन ए जय भीम है दोस्तों वॉट इज अ थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे विच इज बींग ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी जनवरी इन इंडिया ऑप्शन बी मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिव एंड पार्टिसिपेट सिटी इंडिया ओपन रॉक म्यूजियम वॉज इनोग्रेटेड इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटू की बात करें तो ऑप्शन भी हैदराबाद है दोस्तों चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर एटीन दोस्तों okay? so 18 की बात करें तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंशन किए गए हैं एंड पहला जो क्वेश्चन है यू ब्रिथ लाइफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्लान बेस स्मार्ट एयर प्यूरिफायर हैज़ बी डेवलप अ स्टार्टअ विच इंस्टीट्यूशन ओके किसने ये डेवलप किया है वो कौन सा इंस्ट्यूशन है उसके बारे में आपको पूछ रहा है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी आई आई टी रोपार हुई इज़ रैंक फर्स्ट अंग द हंड्रेड मोस्ट पावरफुल वुन इन वर्ल्ड फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन रिलीज बाई फॉर्प्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मैकेज स्कॉ वैन इज अंरनेशनल माउंटेन डे इज सेलब्रेटेड ग्यारह दिसंबर को मनाया जाता है वट इज रैंक ऑफ इंडिया अंदे फ्रीडम इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन डी वन फॉर्टी टू है इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन द अमाम गोवर्मेंट एज अनाउंस टू सिविलियन अवार्ड असाम भाई भईभाव किसको देने की बात की है रतन टाटा जी को हु इज द फर्स्ट हाईएस ऑफिसर फ्रॉम इंडिया टू विन ए पैरालंपिक्स मेडल दोस्तों दर इज ऑप्शन से सुहास यतिराज इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर एम आई सेवनटीन बी फाइव क्रैश इन विच एरिया ऑफ तमिलनाडु ऑन एट दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ऑप्शन डी कूनूर यहाँ पे हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी है विपिन रावत जी उनका देहांत हो गया था इसी हेलीकॉप्टर क्रैश में सो वेयर हैज़ द वियासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बी लॉन्च दोस्तों दट इज ऑप्शन है देहरादून एंड विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली लॉन्च टू डे लूनार साइंस वर्कशॉप टू थाउजें ट्वेंटी की बात करें तो इसरो ने लॉन्च किया हु हैज़ हुल टाइटल एट द यू एस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो एम्मा रडुकनाव है दोस्तों एम्मा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंड हाउ मेनी मेडल्स डेट इंडिया विन द फोर्थ एशिया यूथ पैरा गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी बहरीन ऑप्शन सी फोटी वन फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर कुंजे ऑफ विच स्टेट हैज पासड अवे ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश दोस्तों लुखा रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स दैट इज ये मेघालय है And which country has won the junior men's hockey world cup 2021 held in Bhuvaneshwar, that is option A, Argentina, where was the 11th edition of the equivalent military exercise between India and Maldives was held, that is Maldives. With which country India has partnered to launch a centre of excellence on the offshore wind, option C Denmark. Which state has decided to commemorate the 10th anniversary of the Subramanya Bharati as a Mahakavi Day, that is option D, Tamil Nadu. Recently, in which state the Naukhai, an important agrarian festival, was celebrated, option B Odisha हु इज ऑथर ऑफ द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी सुब्रमण्यम स्वामी है दोस्तों एंड विद विच कंट्री नाटो हैज बिगन कंडक्टिंग ए रैपिड ट्रेडिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी वन मिलिटी एक्सरसाइज ऑप्शन सी यूक्रेन चलिए नेक्स्ट सेट नंबर नाइनटीन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं हु इज द फर्स्ट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर इन द मेन्वजेंड मीटर स्टीप स्टेपल चेस ये अविनाश सेबल है दोस्तों विच कंट्री हैज द सेल ऑफ हार्पू जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट्स टू इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी यूएसए एस ए विच इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ इंडिया बिगैन इट्स मेड इन सी ट्रायल्स रिसेंटली ये आई विक्रांत है एंड लोवली बोर्गहन हु वन बॉक्सिंग ब्रॉज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक्स इज फ्रॉम विद स्टेट ये आसाम से अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल टू सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू बिल स्टैब्लिश इन विद स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी की बात करें तो लद्दाख है विच ईर हैज़ बिन डिक्लेयर यूनाइटेड नेशन एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट की बात करें तो 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन इंडिया रिसेंटली participated इन नेवल एक्सरसाइज अल Mohid अल हिंद 2021 ये किसके कंट्री के साथ हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ दोस्तों विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ रैंक अमॉन्ग ओल्ड टॉप 50 बेस्ट एयरपोर्ट इन द स्काई ट्रैक्स ओल्ड एयरपोर्ट अवॉर्ड रैंकिंग टू की बात करें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है डेली का और नॉनविच डेट ऑफ दगस्ट द इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलब्रेटेड ऑप्शन है ट्वेल्थ ऑगस्ट विच ऑर्गेनाइजन हैज़ लॉन्च डर टू डोर डिलीवरी ऑफ द डीजल की बात करें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था ऑप्शन भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड नेक्स्ट विथ विच कंट्री इंडिया हेज पार्टिसिपेट इन द बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज एक्सरसाइज टू 2021 की बात करें तो यूके है वेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन बी 10 दिसंबर व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज इज लैथम स्नाइप व्हिच वॉज सी इन न्यूज रिसेंटली की बात करें तो ऑप्शन बी माइग्रेटरी बोर्ड विथ स्टेट काजू वेटलैंड हैज डिक्लेयर एज ए सिक्सटीथ एनिवर्सरी तमिलनाडु है विच कंट्री हैजूम प्रेसिडी ऑफ द जी फॉर द ईयर टू की बात करें तो ऑप्शन सी इटाली है हु हैज बिन गिवन द सेवेंथ डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन अवार्ड टू थाउजेंड सेवेंटीन नाइनटीन देख लेते तो डॉक्टर बी प्रवीण राव द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रव्ड एम ओ यू विद नेपाल विद विच अदर कंट्री टू वर्क ऑन द वेरियस प्रोजेक्ट एंड मैकानिजम ऑन जनवरी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी के तुर्क मिस्ता द रिपोरेट इन द मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज इन द डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज ऑप्शन ए फोर परसेंट विच फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल आई टी ए बोर्ड ऑफ नेक्स्ट विच इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर हैज बिन इलेक्टेड बाय द नासा एज एन ऑस्ट्रोनेट की बात करें तो ऑप्शन सी मेनन नेक्स्ट सेट है हमारा सेट नंबर ट्वेंटी याद रखिए सेट नंबर ट्वेंटी सो वॉट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो ऑप्शन बी सेवेंटी रैंक है हमारा इंडिया का एंड वेर इज अर्ल्ड आई वोडिन डिफिशियंसी डे इज ऑब्जर्व दैट इज ऑप्शन बी ट्वेंटी फर्स्ट अक्टूबर विच मेडल हैज़ किडाम्बी श्रीकांत वोन इ वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात करें तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है वो हैज़ बिन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेजिडेंट ऑफ चिन दट इज ऑप्शन ए गिब्राइल बोरिक द फर्स्ट सी ट्रायल्स हैव बिन कंक्लूडेड हैज बिन कंडक्टेड फॉर द स्टेल दस्टोर मरमागॉँव बिल्ड अंडर क्लास पी फिफ्टीन बी ये कहाँ पर बिल्ड किया गया ऑप्शन सी मसगांव शिप बिल्डर्स हुज़ बिकम द थर्ड यंगेस्ट प्लेयर टू विन द कॉन फेरी टूर इवेंट सिंस द टूर एस्टैब्लिशमेंट नाइनटीन नाइनटी की बात करें तो ये ऑप्शन डी है अक्षय भाटिया विथ स्टेट हैज़ लॉन्च द खेल नर्सरी स्कीम टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री टू प्रमोट द स्पोर्ट्स की बात करें तो ऑप्शन सी हरियाणा है रिसेंटली एन इंडियन डेजर्ट कैट हैज बिन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पन्ना टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विस सिटी दट इज ऑप्शन सी प्रदेश। विद सिटी होल्ज द रिकॉर्ड फॉर बेकिंग द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट फ्लूड दैट इज ऑप्शन डी पी भट्ट दोस्तों उड़ान योजना हैज़ बिन लॉन्च बाई विस्थ स्टेट गवर्मेंट ऑप्शन ए राजस्थान ठीक है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज बिन गवन द यूनस्को फर्स्ट मार्शल आर्ट्स एजुकेशन पॉइस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें ऑप्शन सी कुफू नन्स है वेर विल द साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप इज हेल्ड ऑप्शन बी नागालैंड है हु हैज़ बिनकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज पेपर सोसाइटी की बात करें तो ऑप्शन ए मोहित जेन है द मैन्यूफेक्चरंग ऑफ द वैक्सीन कोवैक्स सॉरी कोवोवैक्स विच हैज रिसेंट एमरजेंसी अप्रूवल फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन इज डेवलप बाई किसने डेवलप किया था एस आई आई ने सरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओके okay? नेक्स्ट व्हाट्सएप हैज अनाउंस द डिजिटल पेमेंट फेस्टिवल प्रोग्राम फॉर हाउ मेनी विलेजेस इन इंडिया दट इज ऑप्शन डी फाइव हंड्रेड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंदिरा मोदी सॉरी नरेंद्र मोदी जी इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट एडवायर मैन ऑफ वर्ल्ड दैट इज ऑप्शन सी एट ओके नरेंद्र मोदी जी है दोस्तों सॉरी ओके एंड हु हैज गिवन द गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया सेल हु हैज हुज ओवर द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ़ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो आर के सिंह ने इसको किया है इन विच कंट्री एक्सटर्नल जयशंकर आर्मी चीफ एंड कंट्रीज सी डी एस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफिसर डाइट ऑफ विच हेलीकॉप्टर ये दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर ट्वेंटी इसमें क्या क्या क्वेश्चन देंगे विच स्टेट इनग्रेटेड आयुषमैन ए फॉरेस्ट डेडिकेटेड टू द आयुर्वेदिक प्लांट्स दैट इज ऑप्शन सी गुजरात द पार्कट सोलार प्रोप स्पेस क्राफ्ट विच वॉज इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड है सन से रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड द बैन ऑन विच स्टेट ट्रेडिशनल बुलाक का ट्रेस और आर्गेनाइज दर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र विद स्टेट टॉप द लार्ज स्टेट्स कटेगरी इन द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो दर इज ऑप्शन है वेस्ट बंगाल है वो हैज बिन ऑनर्ड विद द ग्लोबल ऑन्ट्रप्रीनर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑप्शन बी के एम बिरला वेर वॉज द लद्दाख फर्स्ट एफ एम रेडियो स्टेशन वॉज लॉन्च कहाँ पे लॉन्च किया गया ऑप्शन ए ले है दोस्तों इन्वेस्टेड एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वॉज रिसली न्यूज ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड विच इज़ अ टॉप स्टेड इन द लिस्ट ऑफ़ बेनिफिशरीज अंडर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना दैट इज ऑप्शन बी महाराष्ट्र एंड विच कंट्री हैज़ टेस्ट फाइड ए न्यूक्लियर कैपेबल हाइपोसोनिक ग्लाइड मिजाइल तो किसने टच किया था चाइना ने टच किया था वेर वॉज अ इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग एयर कॉम्पैक्ट एक्सरसाइज टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज हेल्ड दट इज ऑप्शन सी दोस्तों क्लियर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इन विच कंट्री लालन समारन उत्सव वॉज ऑर्गेनाइज ऑप्शन है बांग्लादेश वेर इज माउंट मनीपुर नेशनल पार्क वॉज लोकेटेड दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड में है ये एंड विच कंट्री हैज़ वोन द टाइटल ऑफ साफ चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ये इंडिया ने जीता है हु लॉन्च द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति उन्नति ने किसने लॉन्च किया डेली पुलिस ने एड वेयर वॉज अ कॉमनवेल्थ वेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज ऑर्गेनाइज ये आपको ताशकिन में ऑर्गेनाइज किया जोनास गहर स्टोर हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दोस्तों ऑप्शन बी नॉर्वे एट विच पोर्ट डिज द फर्स्ट शिप टू शिफ्ट एलपीजी ऑपरेशन टेक प्लेस दट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन विच कंट्री द इंडियन आर्ट रिसर्च सेंटर हैज बिन एस्टैब्लिश द इन इ रिट बर्ग म्यूजियम की बात करें तो ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड हरनाथ संधु द विनर ऑफ मिस यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बिलोंग्स टू विच स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी की बात करें तो चंडीगढ़ है जनरल बिपिन रावत पास्ड अवे ही वॉज अ कन्वेयर ऑफ विच आर्मी दैट इज ऑप्शन डी आर्मीज नेक्स्ट है, है हमारा सेट नंबर ट्वेंटी टू वेरी इंपॉर्टेंट विच कंट्री फुटबॉलर सर्गियो एगुराज अनाउंस रिटायरमेंट ये अर्जेंटीना के बिलोंग करते हैं ई श्रीधरन हैज रिटायरमेंट फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स बाय वॉट नेम ई वॉज फेमस मैन दोस्तों विच कंपनी हैज़ टू हंड्रेड करोड़ फाय द कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया की बात करें तो अमेजॉन को दिया गया है नेक्स्ट देख लेते हैं

एट द ई टी बी एफ एस आई एक्सेलेंस अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन डी डी बी एस बैंक है विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज रिसेंटली बीन फाइन वन पॉइंट एट करोड़ बाई द आर बी आई दैट इज ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक ठीक चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सो विच कंट्री हैज पास द प्रिवेंशन ऑफ कन्वर्शन एक्ट दैट इज ऑप्शन ए अमेरिका है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टेन ईयर ओल्ड डीजिल वहीकल्स इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ एन जी टी तो ये डेली ने कैंसिल किया है दोस्तों नेक्स्ट इंडिया हैज़ प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ हाउ टॉप एथलीट्स फॉर द 2024 थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो 148 फोटी एट हुज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया बिग बैश लीग दैट इज़ ऑप्शन सी उन्मुख चंद हु विल बी फैसिलेटेड विद द फ्रेंच सिनेमा टॉप ऑनर दैट इज सिजॉर डे ऑनर ए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें ऑप्शन ए केट ब्लैंचट दोस्तों हु हैज़ लॉन्च द राष्ट्रीय एकता गीत कंपोज बाय एनसीसी की बात करें तो ऑप्शन सी राजनाथ सिंह द ऑथर ऑफ द बुक मॉडर्न इंडिया क्या है दोस्तों पूनम दलाल दहिया है द फ्लोरेंस पार्टी इज अ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री वो विजिटेड इंडिया डिसंबर टू 2021 की बात करें तो ऑप्शन बी फ्रांस है वेयर वॉजन डे लोकर महोत्सव वॉज ऑर्गनाइज ये ऑप्शन डी जयपुर है हु the following टॉप the लिस्ट ऑफ मोस्ट एडमायर personality इन द वर्ल्ड की बात करें तो बराक ओबाबा है टू विच रेजिमेंट डिज जनरल बिपिन राव बिलोंग टू दैट इज ऑप्शन ए गोरखा रेजिमेंट नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर ट्वेंटी थ्री दोस्तों ओके सो विच स्टेट ऑफ इंडिया हेज मोस्ट आमसार साइट्स ये आपको उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड हु हैज़ बिकम द सेवेंटी सेकेंड ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया किसको बनाया गया मित्राबा गुहा बहुत बार पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है एंड हु इज़ द थर्टियथ मेंबर ऑफ द नेशन ऑफ द नेटो दैट इज डी नॉर्थ मैसेडोनिया एंड हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफको के चेयरमैन किसे बनाया गया ये विक्रम सॉरी uh, दिलीप संगानी जी को बनाया गया द दारविड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट इन पुणे हैज़ रिसेंटली बीन ड्रीमड आफ्टर विच स्पोर्ट्स पर्सनलिटी ये नीरज छोपड़ा जी हैं नेक्स्ट देख लेते हैं वुमेन विल ऐप न विल ऐप हैज़ बी लॉन्च बाय विच सोशल मीडिया साइट दट इज ऑप्शन ए गूगल किसान दिवस इज सेलब्रेट ऑन द बर्थ एनवर्सरी ऑफ चौधरी सरन सिंह ऑन विच डेट दट इज ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड डिसंबर विच कंट्री ट्रेडिशनल सूप जोमो सूप सुप हैज बिन इक्लूडेड इन द इन कल्चरल हेरिटेज साइट की बात करें तो हाईती है वो हैज बिन अपॉइंटेड एज ए नेक्स्ट अंबेडर ऑफ इंडिया टू चाइना की बात करें तो ऑप्शन डी प्रदीप रावत है फ्राम सिक्सटीन टू ट्वेंटी थर्ड डिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन विच मिनिस्ट्री ऑफ सेलिब्रेट द कंट्री वाइड रिवर उत्सव की बात करें तो तीनों ने मिलकर सेलिब्रेट किया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति

दट इज ऑप्शन सी श्रीलंका है दोस्तों एंड वट वॉज द थीम ऑफ द वर्ल्ड बुक फेर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बैशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड कंफर्ड विद द दयान चंद खेल रत्न अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पी आर सुजेश वॉज बेड द टूरिज्म ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट दट इज ऑप्शन बी केरला फेमस फिल्म एक्टर दिलीप कुमार पास डेवे वाट वॉज इज ओरिजिनल नेम दोस्तों ये यूसुफ खान है विच बॉलीवुड स्टार है इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरम लिस्ट ऑफ यंग ग्लोबल लीडर्स की बात करें तो ऑप्शन बी दीपिका पडूकुर

And what is the theme of the Good Governance Week 2021, which is held from 20 to 25 December? That is option B Prasasun Gaonkior. Prashasan Gaonkior. Where was third annual defence dialogue between India and France was held, that is option D, New Delhi. Hai. According to the report released by the true caller, the correct statement regarding the country most affected by the spam call. Brazil ranked first and India fourth affected country. Okay. The correct answer is option C. Both are correct, those विच स्टेट हज़ अनाउंस टू स्टार्ट द मिशन शक्ति लिविंग लैब एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली एंड ड्राइव जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो ऑप्शन डी उड़ीसा है रिसेंटली इन विच एशियन कंट्री टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल हैज़ बिन फाउंड दिस ऑप्शन भी पाकिस्तान है विच स्टेट गवर्मेंट हेज मेड रिशभ पंथ इट्स ब्रांड एम्बेडर ऑप्शन डी उत्तराखंड है द गवर्मेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप विच कंपनी टू स्किल रूरल यूथ की बात करें तो इन्फोसिस है दोस्तों क्या है इन्फोसिस चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द नाटो ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स की बात करें तो रशिया ने साइन किया है द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द न्यूक्लियर टेस्ट इज ए यू एन रिकग्नाइज डे ऑब्जर्व एनअली कब मनाया जाता है ट्वेंटी नाइन्थ अगस्ट विच स्टेट कुमान शूरा ऑयल वॉज गिवन जी आई टैक इन सप्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दट इज ऑप्शन डी उत्तराखंड दोस्तों पर्पल रेवोल्यूशन विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएट विद विच प्रोडक्ट ऑप्शन सी अरोमैटिक क्रॉप्स ओके रिसेंटली गेल वॉज अनाउंस टू सेटअप ए बायोथेनॉल प्लांट इन विच स्टेट ये गुजरात में अनाउंस किया है ऑथर ऑफ दी द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एशियन लेगेसी ऑफ द वेलनेस दैट इज ऑप्शन सी डॉक्टर रेखा चौधरी हु हु इज अ विनर ऑफ बी सी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ईयर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बी एम आर अडुकनाव है फॉर विच प्लान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हैज़ बिन गिवन बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दैट इज ऑप्शन ए प्लान बी वेर इज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज ओवर द सी अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन ए मंडापम एंड वेयर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट एग्जोटिक बर्ड पार्क वॉज ओपन ट इज ऑप्शन डी दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट इज सेट नंबर ट्वेंटी फाइव सो फाइव मोर सेट्स टू गो टू कंप्लीट द एंटायर बुक ऑफ रुकमिनी करंट अफेयर्स अब सिर्फ पांच सेट्स हैं सेट थर्टी इज अ लास्ट हमने अब तक सारी मैगजीन को कवर किया वन लाइनर्स को कवर किया और एम को भी कवर कर रहे हैं तो ऑलरेडी सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं दोस्तों आप देख सकते हैं और एमसीक्यू एम सी वीडियो भी मैं इमीडिएटली अपलोड कर दूंगा ताकि आपको ईजिली अवेलेबल रहे क्लियर तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज़ रिटर्न द स्टोलेंट अन्नपूर्णा आइडल टू इंडिया दट इज़ ऑप्शन सी कैनेडा है एंड विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इशू द टेन लैक बैंक नोट्स ऑप्शन ए वेनिजोला विच स्टेट हज अनाउंस मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम की बात करें तो ऑप्शन डी उत्तराखंड है वॉट इज नेम गिवन डब्ल्यू एच ओ द न्यू वेरियंट बी डॉट वन डॉट फाइव टू नाइन ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन दट इज सी ओमिक्रॉन वो हैज बी ऑनर्ड विद डॉ ए पी अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अबाउट टू थाउज ट्वेंटी की बात करें तो ऑप्शन डी अमित केसरवानी विद स्टेट गवर्ट एज लॉन्च लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट ये मध्य प्रदेश है दोस्तों माई पैड माई राइट जो है त्रिपुरा ने लॉन्च किया था डोंट ओके इसको स्मृति ईरानी जी ने लॉन्च किया था बट लॉन्च पैड्स की मैं मध्य प्रदेश है विच कंट्री हैज़ लॉन्च अ ग्रीन ग्रेड इनिशिएटिव टू टैकल क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इंडिया हो गया द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिकम हंड्रेड परसेंट पेपरलेस दट इज़ दुबई एंड विच फिल्म बिकम द फर्स्ट फिल्म टू शॉट इन स्पेस द चैलेंज वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो फिफ्टी सिक्स रैंक है हमारा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंड वेयर वॉज अ टू डे साउथ एशियन कंसल्टेशन मीटिंग ऑन द पोस्ट टू थाउंड ट्वेंटी ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क हेल्ड ये ऑप्शन ए न्यू डेली है शारदा मेनन पासड अवे वॉट वाज शी ये जो है डेंटिस्ट है दोस्तों एक मिनट शारदा मेनन सॉरी ये साइक्राटिस्ट है शारदा मेनन ओके नेक्स्ट है हमारा मूडी साइज प्रोजेक्टेड इंडिया जी ग्रोथ रेट टू बी वाट परसेंट फिजिकल ईयर टू थाउजेंड की बात करें तो नाइन एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल कनेक्टिंग यूएसए टू अर्जेंटीना ये फिरमिना है दोस्तों हु इज ऑथर ऑफ द बुक करुणा निधि ये लाइफ दैट इज़ ये येस पनीर सोलम विच बैंक हैज़ लॉन्च कीप योर बहुत शर्ट कैंपेन किसने लॉन्च uh, किया है एच डी एफ सी बैंक ने ओके okay. सलाम दिल से भी इन्होंने लॉन्च किया था दोस्तों एंड हु इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ़ द 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 देश के मिनटर प्रोग्राम ए सोनू सूद साहब हैं और गोल्ड मेडलिस्ट कृष्णा नागर इन टोक्यो पैरालंपिक टू थाउजेंड ट्वेंटी इज रिलेटेड टू विद स्पोर्ट्स दट इज़ ऑप्शन डी पैरा बैडमिंटन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल पैरा कोनाइ टू पार्टिसिपेट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स की बात करें तो ऑप्शन भी प्राची यादव है इंडिया स्टार्टअप विद विच कंट्री टू बाई ए के टू नॉट थ्री असाइल ड्राइफल की बात करें तो ये रशिया है दोस्तों नेक्स्ट इज सेटर ट्वेंटी सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज विच इज अ टिस्ट ऑफ नाइंटी मोस्ट अडमायर उ वर्ल्ड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दियो ओके मिछाइल ओबामा गॉड द फर्स्ट प्लेस एलिजेथ टू हैज गॉड द थर्ड प्लेस एंड प्रियंका चोपड़ा हैज बिन रैंक टेंथ ये सारा कुछ सही है दोस्तों नेक्स्ट बेयर एज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल फूड म्यूजियम वॉज ओपन ऑप्शन है तंजावुर द क्रायोजेनिक इंजन धवन वन हैज बिन डेवलप बाई विच कंपनी दोस्तों ऑप्शन डी स्काई रूट हो गया विच इंस्टीट्यूशन अवार्ड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन अवार्ड करता है ये फाउंडेशन फॉर द इवयराममेंट एजुकेशन हु इज द सी ओ ऑफ यू आई डी ए आई कौन है अभी प्रेजेंट सी ओ सौरभ गर्जी है हुल्ड ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर वज पासड अवे दैट इज ऑप्शन है एल इन एशिया दोस्तों हु हैज बिन गिवन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन डी दैट इज नितिन राकेश और जेरीविन दोनों को दिया गया है वो एज बे नेम द वेस्ट इन अलमानैक वन डे क्रिकेटर ऑफ द टू थाउजेंड्स की बात करें तो ऑप्शन सी मुतया बुरली तरन है वेर वॉज द न्यू अर्बन इंडिया कॉन्फ्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन वॉज हेल्ड दैट इज ऑप्शन बी लखनऊ विच कंट्री हैज अ मोस्ट रामसार साइट्स किस में है ये यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं विच टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया हेज द हाइस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स दैट इज ऑप्शन डी जिम कार्बेट राम विच स्टेटमेंट इज टू अकॉर्डिंग टू द यू एस एयर क्वालिटी इंडेक्स ये ऑप्शन डी है दोस्तों ऑल ऑफ दी दैट इज मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आपको लाहौर है सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी न्यू दिल्ली है और थर्ड आपको काठमांडू है दोस्तों अकॉर्डिंग टू यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स सो ऑप्शन डी विच कंट्री हैज़ वोन द गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन टोक्यो ओलंपिक्स ट्वेंटी की बात करें तो इंडिया और बर्मोडा ने जीता है जेंडर डायलॉग इवेंट इज एन इनिशिएटिव ऑफ द विच मिनिस्ट्री दर ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विच स्टेट हैज़ लॉन्च समर्पण पोर्टल टू प्रमोट वॉल्ट्री सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस एंड एग्रीकल्चर एक्सेट्रा दैट इज हरियाणा ने हु इज ऑथर ऑफ द बुक बिकॉज इंडियाज़ कम फर्स्ट किसने लिखा राम माधव जी ने विच प्लेस हैज रिसेंटली गॉर्ड द वर्ल्ड हाईस्ट मूवी थिएटर की बात करें तो ऑप्शन डी लद्दाख है एंड विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयेर ए फोर एंड हाफ डे वर्क वीक किसने डिक्लेयर किया ऑप्शन बी यू ए ने सो शी इज़ अ चेन मार्केट प्रोग्राम हैजिन लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ने कमीशन फॉर वूमे एंड विच स्टेट गवर्नमेंट एज अ रॉबरेट पक्के डिक्लेरेशन ये आपको अरुणाचल प्रदेश ने अडॉप्ट किया है दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश ने पक्के डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर ट्वेंटी सेवन सो so, सेट नंबर ट्वेंटी सेवन की बात करें द विनिंग टीम ऑफ यूरो ट्वेंटी ट्वेंटी कौन है इटाली है दोस्तों एज ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इज अ गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश बी बी हरिचंदन नेक्स्ट नेम द इंडियन वुमेन क्रिकेटर वो हैज बिन नेम थाउजेंड ट्वेंटी वन आई सी सी वुमेंस ट्री ट्वेंटी टीम ऑफ द ईयर की बात करें तो स्मृति मंदना जी हैं एंड हु हुज बिन एज ए कैप्टन ऑफ आई सी सी मीन ओ टीम ऑफ द ईयर फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी बाबर आजम विच हैज बिन डिक्लेर एज अ फर्स्ट बुक विलेज ऑफ केरला फर्स्ट बुक विलेज ऑफ केरला दैट इज़ ऑप्शन ये पेरुमकुलाम इन विच स्टेट लेम्बरू एलिफेंट रिजर्व इज प्रपोज टू बी एस्टैब्लिश छत्तीसगढ़ हो गया मलेर कोटला इज अस्ट ट्वेंटी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट ये पंजाब का है दोस्तों और एक किससे निकाला गया है सेपरेट किया गया संगरूर से निकाला गया है, याद रख लीजिए नेक्स्ट है फैक्ट टू फेल द क्राइसिस ऑफ चाइल्ड राइट्स इन द अर्ली लाइफ इज अ रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज बाय इंस्टीट्यूशन दैट इज यूनिसेफ बाय बाई ईयर इंडिया सेट अ सेल्फ रिलायंट इन द फर्टिलाइजेशन सेक्टर की बात करें तो हमारा इंडिया का जो टारगेट है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री वेर एज इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर वॉज ओपन Uh, कहाँ पे हमने ओपन किया है भुवनेश्वर में ओपन किया है दोस्तों भुवनेश्वर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हाउ मेनी कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो सी ट्वेंटी सिक्स है इन विच कंट्री द माउंट एसो वालकनो इज लोकेटेड ऑप्शन ए जापान बिहार पैरा एथलेक्ट शरद कुमार इज रिलेटेड टू विद स्पोर्ट दोस्तों ऑप्शन ए हाई जम्प विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन एनिमिया फ्री इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश हो गया विच वर्क हैज बिन गिवन द साहित्य अकादमी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन फॉर असामिस लैंग्वेज ऑप्शन सी बैंक सत्ता हु इज ऑथर ऑफ द बुक ऑपरेशन खोखरी की बात करें तो ऑप्शन डी है दोस्तों दर इज राजपाल पुनिया और के जे अम्फोर्स दोनों ऑथर थे ऑपरेशन खोखरी के किसान सारथी ऐप वॉज लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर वेर इज अटी जी ट्वेंटी समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बी हेल्ड ये ब्रजील में हुआ था विच टीम हैज ओन द विजय हजारे ट्रॉफी टू थाउंडी वन ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश हु हैज द ऑफ द सेंचुरी की बात करें तो ऑप्शन ए नी टाटा नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर ट्वेंटी एट एंड चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट ये असम है फिश वाला ऐप था इसका ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं विच मिनिस्ट्री लॉन्च एफ आई टी इंडिया मोबाइल अपलीकेशन की बात करें तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है नाइनटीन टू सुधीरमन कप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन हैज़ वोन बाई सुधीर मन कप किसने जीता है चाइना ने जीता है दोस्तों एंड सिंस वेन वॉज द मिस यूनिवर्स टाइटल कॉम्पिटिशन स्टार्टेड विच वॉज बीन इन द न्यूज़ कब से स्टार्ट हुआ था नाइनटीन फिफ्टी टू विच बैंक सी ओ विश्ववीर आहूजा हैज रिजाइन फ्रॉम इस पोस्ट ऑप्शन डी आर बी एल बैंक विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैंड अनवैक्नेटेड पीपल फ्रॉम द यूजिंग पब्लिक विदेक्ट फ्रॉम जनवरी फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू डट इज ऑप्शन ए हरियाणा दोस्तों नेक्स्ट फिल्म एक्टर हैज रिटर्न द बुक बैचलर डैट किसने लिखा है तुषार कपूर जी ने विच ऑर्गनाइजेशन हैज लॉन्च पुनित सागर अभियान टू मेक द बीचेस गार्बेज फ्री ऑप्शन डी एनसी इंडियन आर्मी हैज लॉन्च इंडिजीनियसली डेवलप मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा है रिसेंटली लॉन्च प्रलय मिजाइल बाई डी आर डी ओ इज केपेबल ऑफ हिटिंग दर इज ऑप्शन सी सर्विस टू सर्विस विद स्टेट गज डिक्लेयर लॉर्ड कृष्णा बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा एज ए स्टेट फेस्टिवल ये आपको पंजाब ने डिक्लेयर किया है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वो एज बिन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात करें तो ऑप्शन सी संजय कुमार मिश्रा विच कंपनी एज कॉन्फर्ट विद गोल्डन पिकॉक एववायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो सेल को दिया गया इम्पॉर्टेंट है ये विच आई आई टी एस डेवलप ए कोविड आर एन ए टेस्ट किट कॉल्ड कोवी होम ऑप्शन डी हैदराबाद है दोस्तों वेन इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है ट्वेंटी सेकंड दिसंबर को ऑन विच रिवर टी सेतु हैज बिन नॉग्रेटेड इन उड़ीसा दैट इज महानदी रिवर रिचर्ड रॉजर हैज़ पासड अवे वॉट वॉज ही इट्स ए आर्किटेक्ट एंड द कैबिनेट हैज अप्रूव द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन कॉपरेशन म्यूचुअल असिस्टेंस ऑन कस्टम मैटर्स इन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन डी स्पेन हो गया एंड हु इज ऑथर ऑफ द बुक वाइल्ड एंड विलफुल किसने लिखा है ऑप्शन सी नेहा सिन्हा

विच सिटी रैंक्स फर्स्ट इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 की बात करें तो बेंगलुरु एंड विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट ऑर्गनाइज कल्टिवेशन ऑफ सिनेमम दैट इज़ ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश वो हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमिया की बात करें तो फ्यामे नोमी मटाफा द्रोणाचार्य अवार्ड विनर सरकार तलवार इज़ रिलेटेड टू विद स्पोर्ट्स ये क्रिकेट से रिलेटेड है एंड विद विच कंट्री हेज बिकम द फस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस डुअल मोड व्हीकल रनिंग ऑन द बोट रोड एंड रेलवे ट्रैक की बात करें तो ऑप्शन ए जापान है दर ऑफ द बुक मोडी गैम्बिट डी कोडिंग मोडी टू पॉइंट वो क्या है दोस्तों ऑप्शन सी संजू वर्मा है वो हैज़ वन द टाइटल नेशनल बिलियड्स एंड स्नूकर चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन बी पंकज अडवानी है विच स्टेट हेज लॉन्च मीडम मंजप्पाई ओके स्कीम टू एनकरेज द यूज ऑफ क्लोथ बैग्स तमिलनाडु ने लॉन्च किया है दोस्तों ये इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन की बात करें तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन सुलेमान डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेट द फाउंडेशन शोड ऑफ ब्रम्मोस एरोस्पेसे क्रूज मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे लखनऊ पे विच टीम हैज़ वन द एलेवेंथ हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2021 टाइटल की बात करें तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में हुज बिन नेम्ड एज ए पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर ये आलिया भट्टी को बनाया गया है दोस्तों नेक्स्ट विच पोलिटिकल पॉलिटिशियन है किंग महिंद्रा पास डबे कौन से थे ये, ये आपको जे के थे दोस्तों वो हैज़ अपॉइंटेड एज अड कोच ऑफ द आई पी एल टीम लखनऊ ऑप्शन बी एंडी फ्लावर Which state government has launched a mobile app called Smart Card named Chalo, that is option C, Maharashtra. Who has been given another Global Environment and Climate Action Citizen Award 2021 ki baat kere, to option B, viral Desai. And which Indian woman has been honoured with the United Nations Women's Award 2021 for Leadership Commitment ki baat kere, to option D Divya Hegde. Who has launched the Project Abhaya for the Safety of the Children, option B, Delhi Police. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा सेट नंबर थर्टी देट इज लास्ट सेट ऑफ दिस करेंट अफेयर्स बुक सो विच यूनिवर्सिटी फाइंड्स द टॉप पोजीशन इन द थर्ड एडिशन ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2021 की बात करें तो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूके है दोस्तों नेम द एक्सपेरिमेंटल मार्स हेलीकॉप्टर ऑफ द नासा दैट बिकम द फर्स्ट हेलीकॉप्टर टू टेक पावर्ड कंट्रोल फ्लाइट आट मार्स दैट इज ऑप्शन बी इंजन यूनिटी विच कंट्री रैंक एट द फर्स्ट पोजिशन इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टू रिलीज बाई इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तो पहला पोजिशन किसको दिया गया है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए नॉर्वे को दिया गया है दोस्तों ओके एंड नेम द फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग रिफॉर्म्स हु हैज़ पासड अवे रिसेंटली ऑप्शन सी माई डब्लू नरसिंहन हु वन द प्रेसिडेंसी ऑफ द सेवेंटी सिक्स सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोस्तों ऑप्शन डी अब्दुल्ला शाहिद इंटर लॉन्चेस ए आई फॉर ऑल इनिशिएटिव कोलाब्रेशन विद दैट इज़ सी बी एस ई इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन थर्टीथ जुलाई नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट ये फोर्टीन दिसंबर को मनाया जाता है हु इज अ सी ऑफ द न्यू रोबोटिक्स कंपनी इंट्रेंसिंग की बात करें तो ऑप्शन बी वेंडी टैन वाइट है दोस्तों okay. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज बीन अवार्डेड एज वर्ल्ड हाइस्ट एजुकेशन अकोलेट ऑफ द टू थाउजें ट्वेंटी वन येडान प्राइज फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर अर वर्क इन इंप्रूविंग द लर्निंग आउटकम्स की बात करें ऑप्शन सी रुपिनी बनर्जी हु वन द इनॉगल सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स प्राइस टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लिविस हैमिल्टन विच एशियन कंट्री वॉज डिक्लेयर मलेरिया फ्री ब द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजन रिसेंटली चाइना है इसके साथ साथ एल सिल्वाडर को भी इन्होंने डिक्लेयर किया था सेंट्रल अमेरिकन कंट्री विच सोशल मीडिया कंपनी लॉन्च सेटअप पब्लिशिंग एंड सब्सक्रिप्शन टूल नेम बुलेटिन ये फेसबुक दोस्तों सो वेन इज अ ने नैशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द इंडिया दैट इज ऑप्शन है जुलाई फर्स्ट विच कंट्री टॉप द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की बात करें तो ऑप्शन सी फिनलैंड है फॉर्मर इंडियन मिनिस्टर तावरचन गहलोट एज बे अवॉइंट एज न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट दट इज ऑप्शन सी कर्नाटका है दोस्तों विच स्टेट एंड यूनाइटेट लॉन्च मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की बात करें तो ऑप्शन बी डेली है आई सैट टू इज ए ऑफ विच कंट्री ऑप्शन ए यूएस ए निाल सारि हु न्यूज इन रिसेंटली इज एसोसिएट विपोर्ट्स दैट इज ऑप्शन बी चैस है दोस्तों विच यूनियन मिनिस्टर इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। सो दिस इज द एंड ऑफ हियर आर द आंसर कीस यू कैन सी ओके सो दिस इज द एंड ऑफ द रुक्मिणी करंट अफेयर्स बुक दोस्तों आई होप ये मैगजीन आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि हमने कई सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस किया है ओके पेज बाय पेज मैंने आपको पढ़ाया है स्टार्टिंग फ्रॉम पेज वन टू द पेज 160 ओके सारा कुछ हमने कवर किया कंप्लीट मैगजीन दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑलरेडी फोर पार्ट्स है बीन अपलोडेड और इस मैगजीन की खास बात यह है कि इट कंसिस्ट ऑफ द करेंट अफेयर्स टिल फेब्रवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सोट विल बेनिफिशियल फॉर यू फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो इन्क्लूडिंग द लास्ट सिक्स मंथ्स करंट अफेयर्स सो आई होप यू लाइक दिस मैगजीन तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले इम्पॉटेंट बुक के साथ ओके okay? तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों टेक केयर स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी